शहर की मशहूर गैलरी में दुनिया का सबसे महंगा डायमंड आता है। डायमंड को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक दिन चार लोग डायमंड देख रहे थे, तभी अचानक वहां की लाइट चले जाती है। जब लाइट वापस आती है तो डायमंड गायब था। क्या आप लाइट जाने के पहले और बाद के पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी, ए बी सी या डी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर दोनों पिक्चर्स को आप देखेंगे तो लड़की का बैग इस साइड से उस साइड चला गया है, मतलब उसने डायमंड को चुराने के लिए बैग निकाला होगा और वापस रखते टाइम बैग को दूसरे साइड रख दिया। चोरी इसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मजेदार पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही दो मजेदार पहेली पूछता हूँ। पानी ही मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? और इसका सही जवाब है बादल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जो हमेशा गिरती पड़ती रहती है पर कभी फूटती नहीं है और उसे खरोच तक नहीं आती है, बताइए वो क्या है? और इसका सही जवाब है बारिश। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैथ की क्लास चल रही थी, मैथ टीचर को मस्ती सूझती है तो बोलती है, चलो जिसको लगता है कि वो बुद्धू है खड़े हो जाओ। थोड़ी देर तक कोई खड़ा नहीं होता, फिर रोहन खड़ा हो जाता है। टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच्ची लगता है तुम बुद्धू हो? रोहन बोला, नहीं मैडम मैं बुद्धू नहीं हूँ। टीचर सोच में पड़ जाती है और फिर रोहन से पूछती है, तुम खड़े क्यों हुए? क्या जवाब देगा रोहन? क्या आप सोच के बता सकते हैं रोहन क्या जवाब देगा और वो क्यों खड़ा हो गया? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आप अकेले खड़े थे, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनमें 5 डिफरेंसेस बताइए। आपके 5 डिफरेंसेस कमेंट कीजिए। आपको 30 सेकंड मिलेंगे डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं और 5 डिफरेंसेस है ये। तो क्या आप पूरे 6 डिफरेंसेस बता पाए? हमें कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना बहुत फेमस सिंगर और गिटारिस्ट है, लेकिन उसे दारू पीने की बहुत गंदी आदत लग गई थी। हर शो में वो लेट हो जाती थी। आज एक बहुत बड़ा शो था, लेकिन शो के पहले उसकी डेड बॉडी उसके रूम में मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। देख के लगता है कि उसने खुद को मार लिया है, शायद अपनी दारू की लत के वजह से। उसके हाथ में एक सुसाइड नोट भी मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेहुल को ये मर्डर लग रहा था। मेहुल वहां जो जो मौजूद था उन सबको बुला लेता है। सबसे पहले सना का बॉयफ्रेंड, मैं आज ही वापस आया हूँ, मैं 2 महीने से बाहर था और मैं आज सना को सरप्राइज देने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। सना को दारू की बुरी लत लग गई थी, शायद ये सुसाइड ही होगा। मेहुल फिर सना की मैनेजर अर्पिता से बात करता है। मुझे लगता है कि ये मर्डर है, खून कोमल ने किया है।
उसे सना से बहुत जलन होती थी। सना फेमस होते जा रही थी। मैं तो जस्ट अभी यहाँ पहुंची हूँ, मैं सना से 2-3 दिन से मिली ही नहीं हूँ। कोमल, मैंने खून नहीं किया है, मैं तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और मुझे उससे कोई जलन नहीं है। शायद खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा, वो उसकी दारू की लत से बहुत परेशान रहता था। मेहुल तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है, सारे सबूतों को ध्यान से देखता है, रूम को वापस ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? खूनी अर्पिता है। अर्पिता बोलती है वो 2-3 दिन से सना से मिली नहीं है। फिर उसके टी शर्ट का टूटा हुआ बटन सना के रूम में क्या कर रहा था? शायद हाथापाई के वक्त बटन टूट के वहां गिर गया होगा। मेहुल तुरंत अर्पिता को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्कूल में रोहन का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल आता है और मर्डर लोकेशन को ध्यान से देखता है। मेहुल को पता चलता है कि रोहन पढ़ाई में काफी वीक था, तो स्कूल के टीचर्स ने उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए अकेले बुलाया था। टोटल 4 टीचर्स उस दिन स्कूल आए थे। मेहुल चारों से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाता है। पता चलता है कि मैथ्स के टीचर तो कहीं फ्लाइट लेके जा रहे हैं, शहर से दूर जा रहे हैं, तो मेहुल की उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। बायो के टीचर मेहुल से मार्केट में मिलते हैं, वो मार्केट में सब्जियां खरीद रहे थे। केमिस्ट्री टीचर से मेहुल उनके घर पे मिलता है, वो कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इंग्लिश की टीचर से भी घर पे मिलता है, वो घर पे एक नया प्लांट लगा रही थी। मेहुल ये सब देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर का हिंट वीडियो में ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप केमिस्ट्री टीचर के घर में देखेंगे तो एक डंबल पड़ा हुआ है, दूसरा डंबल दिख नहीं रहा है। रोहन को किसी ने डंबल से मारा है, और ये डंबल और प्रोफेसर के घर वाला डंबल दोनों एकदम सेम है, मतलब केमिस्ट्री टीचर ने ही रोहन को मारा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपको 4 सुपर पावर्स में से एक सुपर पावर चुनना है। ये सुपर पावर आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। पहला, इनविजिबल, मतलब आप जब चाहे गायब हो सकते हैं। आप आराम से बैंक में घुस के जितना चाहे उतना पैसा चुरा सकते हैं और कोई आपको नहीं देख पाएगा। दूसरा पावर, रीडिंग द माइंड्स, मतलब आप जिसका चाहे उसका माइंड रीड कर सकते हैं। किसको पैसा चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए या किसको खाना चाहिए। तीसरा, टाइम ट्रैवल, मतलब आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, तो आप पिछले टाइम की चीजें भी देख सकते हैं, आप पुराने जमानों में भी जा सकते हैं। चौथा, टेलीपोर्ट, मतलब आप उसी समय में दुनिया घूम सकते हैं। जैसे अभी आप मुंबई में हैं, आप तुरंत पेरिस जा सकते हैं और अगले ही समय आप लंदन जा सकते हैं। तो आप बताएं, ये चारों में से आप कौन सा सुपर पावर चुनेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपको टाइम ट्रैवल चुनना चाहिए, तो आपके पास हमेशा के लिए ये पावर रह जाएगा। फिर आप समय में पीछे जाके वापस इसी समय में आ सकते हैं और दूसरी पावर भी ले सकते हैं। ऐसा करके आप सारे पावर ले सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन बैटमैन है। पिक्चर को ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बैटमैन का ऐसा मास्क होता है, और अगर आप सेकंड नंबर वाले को देखेंगे तो उसके बैग में मास्क रखा हुआ है। तो ये तो बैटमैन हो गया, और बाकी सुपर हीरोज कौन कौन से हैं? हमें कमेंट में बताएं।
और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक यू।